नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि हमारे फोन के अंदर कभी वायरस ना आए, और यदि कभी वायरस आ भी जाता है तो उसे हम झट से अपने फोन से बाहर निकाल दें, क्योंकि जब हमारे फोन के अंदर वायरस या मेलवेयर आ जाते हैं तो हमारे पर्सनल डाटा की बहुत ही हानि हो सकती है और हमें बहुत नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान के ऊपर टच करके, और उसके बाद घंटे के निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई नई अच्छी अच्छी वीडियो लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों देखिए, आजकल इंटरनेट का जमाना है और हम इंटरनेट पर बहुत सारा काम करते हैं, हम बहुत सारी साइटें सर्च करते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम डाउनलोड करते हैं, चाहे वो वीडियो हो, फोटो हो या कुछ भी हो। तो दोस्तों, जब हम डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने के साथ साथ ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे फ़ोन के अंदर नहीं होना चाहिए और हम उन्हें अपने फ़ोन के अंदर इंटर कर देते हैं, यानी कि इंस्टॉल कर लेते हैं, और उनको हमारे फ़ोन के अंदर आने का मौका मिल जाता है, और यहीं से हमारे फ़ोन का डाटा चोरी होना शुरू हो जाता है और हमारा फ़ोन भी ठीक से काम नहीं करता। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यहाँ बता दें कि फ़ोन के अंदर वायरस आने का सबसे जो एक मेन लक्षण होता है उसको आप कैसे पता कर सकते हैं। दोस्तों, जब हमारा फ़ोन हैंग होने लग जाए, आप कुछ भी काम करें और काम जब कर रहे हैं तो वो सही से सपोर्ट ना करे, या फ़ोन हमारा हीट होने लगे, तो दोस्तों आपको समझ लेना चाहिए कि आपके फ़ोन के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने लगी है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक एंटीवायरस आपको यहाँ बताने वाला हूँ आपके फ़ोन के लिए, जो एक बहुत ही काम का एक एंटीवायरस है, और वो आपके फ़ोन के अंदर जो भी मेलवेयर या वायरस अगर आ चुके होंगे तो उसको निकाल बाहर करेगा। तो दोस्तों, एक एप्लीकेशन है, ये एंटीवायरस है, अवस्थ का एंटीवायरस है, ये आप सभी लोग इसको जानते भी होंगे लेकिन बहुत से लोगों को इस बारे में पता भी नहीं है। तो चलिए देखिए, ये एक एप्लीकेशन है, इसे आपको इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो देखिए, जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद सीधे ही आपको यहाँ पर स्कैन नाउ का ऑप्शन दिया जाता है, क्योंकि जैसे ही हम अपने फ़ोन के अंदर इसे इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले ये आपके फ़ोन के अंदर जो भी कुछ गड़बड़ी होगी उसको डिटेक्ट करने के लिए कहता है। तो हमें यहाँ ग्रीन पट्टी पर क्लिक कर देना है स्कैन नाउ के ऊपर। जैसे आप स्कैन नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कुछ ऑप्शन पूछेगा, आपको ये अलाउ कर देना है, ठीक है। अलाउ करने के बाद ये आपके फ़ोन के अंदर डीप स्कैन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा यहाँ टाइम लगाते हैं, अब मैं बीच में इसको स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर स्कैन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और कंप्लीट होने के बाद देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 130 आइटम स्कैन हुए हैं, और यहाँ पर देखिए कुछ जो है अभी तक मेरे को नहीं बताया गया कि मेरे फ़ोन के अंदर अभी तक ऐसा कोई वायरस वगैरह कुछ भी यहाँ पर डिटेक्ट नहीं हुआ है। अब यहाँ पर आप एक ऑप्शन है यहाँ पर ऑटोमेटिक स्कैनिंग का, तो यहाँ पर इसको आप ऑन करके रख सकते हैं। इसका क्या काम होगा, जब भी आपके फ़ोन के अंदर कुछ भी ऐसा लगेगा, ये एक दिन में एक बार ज़रूर आपके फ़ोन को स्कैन करता रहेगा। अगर कभी भी कोई खतरे का ऐसा साइन लगा कि आपके फ़ोन के अंदर कोई वायरस या कुछ भी ऐसी चीज़ कुकीज़ या ऐसी हार्मफुल चीज़ आ गई है, तो ये वहीं पर आपको डिटेक्ट करके बता देगा। तो आपको इस ऑप्शन को हमेशा ऑन करके रखना है, ये बहुत ही काम का एक फीचर है दोस्तों, इसको ज़रूर आप यूज़ कीजिए। दोस्तों, हर फ़ोन के अंदर, हम अपने कंप्यूटर के अंदर तो एंटीवायरस यूज़ करते हैं लेकिन हम अपने फ़ोन के अंदर कभी भी एंटीवायरस को यूज़ नहीं करते, जबकि हमें अपने फ़ोन के अंदर भी एंटीवायरस यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आजकल हम ज़्यादातर काम अपने फ़ोन के अंदर ही करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने की बात हो, चाहे कुछ भी हम जो काम करते हैं वो। तो दोस्तों, इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिए और ख़तरे से बचिए, और अपने फ़ोन के अंदर अगर वायरस आ गया है तो अपने उस वायरस को भी उठाकर बाहर फेंक दीजिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवार के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान के ऊपर टच करके, और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है, आप इससे ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।